वेलकम बैक गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिनकी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में नो फिटल पोल सीन करके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दी जाती है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिटल पोल ना दिखने के कारण क्या हैं और फिटल पोल आखिर होता क्या है। तो टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा कि नो फिटल पोल का मतलब क्या है और फिटल पोल ना दिखने के कारण क्या होते हैं। तो वेलकम बैक गाइस टू पासीचैम चैलेंज, और बिना किसी डिले के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस देखिए, जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है और पेशेंट जब मेरे पास क्लिनिक पर विजिट करता है तो सबसे पहले एज ए डॉक्टर ये कंफर्म करना पड़ता है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी के दिन कितने चढ़ गए हैं, मतलब पेशेंट को प्रेगनेंसी कितने दिनों की है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि उनको लास्ट बार पीरियड्स कब आए थे, मतलब उनकी लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट क्या है। तो सपोज कीजिए कि उनको 28वें दिन पर पीरियड्स आने थे फीमेल पेशेंट को, और उन्होंने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव है, और 28वें दिन उन्होंने मेरे पास विजिट किया, तो उनको 28 दिन की प्रेगनेंसी है। यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, या तो वो प्रेगनेंसी के दिन जिस दिन पीरियड्स की ब्लीडिंग ख़त्म हुई थी वहाँ से काउंट करते हैं, या फिर मोस्ट कॉमन जो पेशेंट कैलकुलेट करते हैं अपनी प्रेगनेंसी के दिन वो अनसेफ रिलेशन डेट से काउंट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिस दिन उनको पीरियड्स की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी लास्ट वाली वहाँ से आपको प्रेगनेंसी के दिन काउंट करने हैं। तो मान लीजिए कि पेशेंट 28वें दिन मतलब 4 सप्ताह की प्रेगनेंसी के साथ हमारे पास आया, तो जो गाइडलाइंस हैं प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करवाने की वो 6 सप्ताह पर है। तो पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि आप 6 सप्ताह पर अपनी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड की जांच करवाएं। लेकिन कई पेशेंट बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं अपनी प्रेगनेंसी को लेकर और जानने की इच्छा रखते हैं कि क्या उन्होंने एक्चुअली में कंसीव किया है कि नहीं किया है, क्योंकि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में जो लाइन होती है टेस्ट लाइन वो भी हल्की होती है। तो कई जो पेशेंट हैं वो अगले दिन ही टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है। सो जो गाइडलाइंस है वो 6 सप्ताह पर है, लेकिन बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवाने पर आपको या तो उसमें गेस्टेशनल सैक दिखाई देगा या फिर आपको योग सैक दिखाई देगा, क्योंकि 6 सप्ताह तक फीटल पोल दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो गेस्टेशनल सैक है और योग सैक है वो क्या होता है उसको भी आप समझ लीजिए। तो सपोज कीजिए कि 28 दिन की प्रेगनेंसी थी पेशेंट को और उनके जो पीरियड साइकिल की डेट थी वो भी मिस हो गई, ठीक है, 28 दिन का पीरियड साइकिल था। तो इस बीच अगर 29वें या 30वें दिन पेशेंट अल्ट्रासाउंड करवाता है, अब अल्ट्रासाउंड भी गाइस 2 प्रकार के होती हैं। पहला है पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड, जिसे ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और जो दूसरे टाइप का अल्ट्रासाउंड होता है उसे कहते हैं ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो कि योनि मार्ग से किया जाता है, मतलब वजाइनली किया जाता है। अब अल्ट्रासाउंड जो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है उसमें जो बच्चेदानी है वो थोड़ी दूर पड़ती है, यहाँ तक मान लीजिए, और जो वजाइनली अल्ट्रासाउंड है जब करते हैं तो बच्चेदानी थोड़ी पास में पड़ती है इतना, ठीक है। इसे आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हो, ये आपका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है अगर हम लोग देखें तो, और ये आपका वजाइनली अल्ट्रासाउंड है जिसमें आपको क्लियरली सब कुछ दिख रहा होगा। सो अगर मान लीजिए कि 28 दिन की प्रेगनेंसी थी और पेशेंट ने 29वें दिन या 30वें दिन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाया, मतलब पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड कराया, तो बच्चेदानी के अंदर मतलब गर्भाशय के अंदर जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उन्हें एक थैलीनुमा आकृति दिखाई देती है। इस थैलीनुमा आकृति में फ्लूड भरा होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूड बोलते हैं। ये जो थैली है ये एक प्रकार का बच्चे का घर होता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वैसे वैसे इस थैली का जो साइज है वो भी बढ़ता है। इस थैली को गेस्टेशनल सैक बोलते हैं, ठीक है। जब ये सैक बनता है तो इस सैक के बनने के लगभग 7 से 10 दिन के बाद एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि 28वें से 30वें दिन मैं कब बोल रहा हूँ, जिस दिन पीरियड्स की ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ से आपको कैलकुलेट करना है।
सो गेस्टेशनल सैक आपको पीरियड साइकिल के मिस होने पर दिखाई देगा आपकी लास्ट पीरियड डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब गेस्टेशनल सैक बनता है तो उसके लगभग 7 से 10 दिन के बाद इसी गेस्टेशनल सैक के अंदर आपको एक और आकृति दिखाई देती है, मतलब रेडियोलॉजिस्ट को एक और आकृति दिखाई देती है। ये जो आकृति है ये भी एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है और इस सैक के अंदर, इस थैली के अंदर बच्चे के लिए हर प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, खाना होता है, जिससे जो बच्चा है शुरुआती स्टेज में अपना डेवलपमेंट करता है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में प्लेसेंटा बना नहीं होता है, इसलिए बच्चे को कोई सोर्स चाहिए अपना डेवलप करने के लिए। इसीलिए ये जो सैक है ये बच्चे को शुरुआती स्टेज में हर प्रकार का न्यूट्रिशन देता है जिससे बेबी ग्रोथ कर पाता है। इस थैली को योग सैक बोलते हैं, ठीक है। इस योग सैक के बनने के लगभग 5 से 7 दिन के बाद इसी योग सैक की सीमा पर आपको एक कर्व टाइप की, जो अंग्रेजी का अक्षर होता है सी, उसकी जैसी आकृति दिखाई देती है, कर्व टाइप की योग सैक की सीमा पर। जब हम लोग इस सी टाइप की आकृति को ध्यान से देखते हैं तो एक साइड पर बच्चे का सिर दिखाई देता है, मतलब हेड दिखाई देता है, और दूसरे साइड पर टेल दिखाई देती है, मतलब पोल दिखाई देता है। इसी को फीटल पोल कहते हैं। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से समझ रहे हो तो आपको समझ आएगा कि फीटल पोल लगभग पीरियड साइकिल की जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी उसके 6 हफ्ते 5 दिन पर दिखाई देती है। सो जो पेशेंट जल्दी अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं उनको या तो गेस्टेशनल सैक दिखाई देगा या फिर योग सैक दिखाई देगा, फीटल पोल नहीं दिखाई देगी। अब ये फीटल पोल क्या है? फीटल पोल फीटस ही होता है, मतलब बच्चा होता है, भ्रूण होता है। शुरुआती स्टेज में जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है तो पहला तिमाही खत्म होने के बाद बेबी की जो आकृति है वो बच्चे का रूप धारण कर लेती है। अगर आप ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाते हो, चूंकि ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से बच्चेदानी को हम लोग अच्छे से देख पाते हैं, इसीलिए 5 दिन पहले हमें ये सब प्रोसेस दिखाई देती है। मतलब 28वें दिन तो गेस्टेशनल सैक दिखाई देगा, फिर उसके लगभग 7 दिन के अराउंड आपको योग सैक दिखाई देगा, और उसके 7 दिन के बाद आपको फीटल पोल दिखाई देगी, ठीक है। अगर फीटल पोल नहीं दिखाई देती है तो एज ए गाइडेंस हम लोग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को पहले देखते हैं कि उसमें रिपोर्ट में आया क्या है। सपोज कीजिए कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में सिर्फ गेस्टेशनल सैक ही दिखाई दिया है, योग सैक नहीं दिखाई दिया, तो पेशेंट को बोला जाता है कि आप 14 दिन के बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराओ। अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में योग सैक भी दिखाई देता है गेस्टेशनल सैक के साथ, तो फिर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग 11वें दिन दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाने की एडवाइस देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस जो पेशेंट हैं उनको फीटल पोल भी दिखाई देता है दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाने पर, और साथ ही बच्चे की दिल की धड़कन भी दिखाई देती है। लेकिन स्टिल अगर आपको दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद भी फीटल पोल या बच्चे की धड़कन नहीं दिखाई देती है तो फिर आपको एडवांस टेस्ट करवाने पड़ते हैं। एडवांस टेस्ट में या तो प्रोजेस्ट्रोन का ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं या फिर सीरम बीटा SCG ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। अगर पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो फिर वजाइनली आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। स्टिल अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखानी है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी है सेम कंडीशन के लिए नो फीटल पोल के रिगार्डिंग, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट की आपको लिस्ट मिल जाएगी, मैं या मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर देगी। थोड़े बहुत अगर आपको डाउट है तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में भी मैं या मेरी टीम एक्टिव रहती है और रिप्लाईज देती है। अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं दिखाई दे रही है तो बच्चे की हार्ट बीट कब दिखाई देती है उसके लिए आप इस वीडियो को देखें। बीटा SCG की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कैसे देखनी होती है उसके लिए आप इस वीडियो को देखें। सो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।